गुड मॉर्निंग, कैसे हैं बेटे आप सभी? यू आर ऑल वेलकम बाय दिनेश मिगलानी। ये बेटे हमारा जो सेशन है रीजनिंग से रिलेटेड है, कैसे आप पजल्स को सॉल्व करते हैं जिसमें आपको काफ़ी वेरिएबल्स गिवन हो। तो हमने इस सेशन में 4 to 5 पजल्स लिया है, एक एक करके सॉल्व करेंगे। यूजफुल सेशन है अगर आप कैट, एमबीए, क्लैट, एसएससी, आईपी, मैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। चलिए हम स्टार्ट करेंगे बेटे। फिर बाद में मैं धीरे धीरे आपको अपने इंट्रोडक्शन दूंगा, कोर्सेज के बारे में बताऊंगा। देखिए हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है, आप क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िए क्या है। जैसे हमें गिवन है कि हमारे पास में 6 बुक्स हैं, ठीक है, उनको हमने अरेंज करना है और हर बुक जो है वो किसी ना किसी से बिलोंग करती है, ठीक है। आप देखिए जैसे आप उसने बोला है कि इंग्लिश बुक विच इज कैप्ट ऑन द टॉप, तो एक चीज तो बेटे आपको क्लियर होगी कि इंग्लिश बुक जो है वो टॉप पर है, बिलोंग्स टू देवाशीष। तो ये तो बहुत आसान है बेटे, आपको क्लियर है कि वो किससे बिलोंग कर रही है, देवाशीष से। फिर आपको कहता है बेटे साइकोलॉजी बुक विच इज कैप्ट एट द बॉटम, तो एक बात और क्लियर हो गया कि साइकोलॉजी बुक जो है वो बॉटम में है, राइट। और ये जो बुक है डज नॉट बिलोंग टू संजय और रवि, तो बेटे आप क्रॉस कर देते हैं, ना संजय से बिलोंग करती है ना ही रवि से बिलोंग करती है, ठीक है। फिर देखिए फिर आपको कहता है इकोनॉमिक बुक बिलोंग्स टू हर्ष, तो अभी इसका मुझे पता नहीं है कहां पर है तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, इकोनॉमिक बुक बिलोंग टू हर्ष कैप्ट इमिडिएटली आफ्टर हिंदी, ठीक है। तो हिंदी के बाद रखी गई है तो इसका मतलब इकोनॉमिक से पहले क्या हो गया, हिंदी हो गया, ये हमने मेंशन कर लिया। फिर आपको कहता है कि हिस्ट्री इज इमिडिएटली अबव ज्योग्राफी एंड बिलो इकोनॉमिक्स, तो इसका मतलब बेटे ये हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स के नीचे है और ज्योग्राफी के ऊपर है, तो ये 4 बुक्स का पेयर बन गया, ठीक है। और 2 बुक्स ऑलरेडी है तो 6 ही बुक्स हैं, तो इसका मतलब बेटे हमारी सीक्वेंस क्या होगी, सेकेंड नंबर पे हिंदी बुक है, फिर बेटे हमारे पास में इंग्लिश, फिर आपके पास में इकोनॉमिक्स है। ये नेमिंग की कई बार प्रॉब्लम आती है, तो जैसे ई दोनों में सेम कर रहा है तो इंग्लिश ऑलरेडी है, तो ये हमारे पास में जो बुक है ये कौन सी है, इकोनॉमिक्स, और उसके बाद है हिस्ट्री और फिर है ज्योग्राफी, ठीक है। अब आपको पता है कि इकोनॉमिक्स जो है वो बिलोंग कर रही है हर्ष से, ये इंफॉर्मेशन है, ठीक है। अब देखिए और आप नेम वाइज अगर फिर हमें गिवन था जैसे कि साइकोलॉजी बुक संजय और रवि से बिलोंग नहीं करती, राइट। तो इसमें आप देखिए अभी नेमिंग और जैसे हमें गिवन है कि हिंदी बुक बिलोंग टू नीता, तो ये इंफॉर्मेशन क्लियर हो गया, हिंदी बुक किससे बिलोंग करती है, नीता से, और हिस्ट्री बिलोंग बुक बिलोंग करती है रवि से, ठीक है। अब साइकोलॉजी जो थी ना तो वो रवि से बिलोंग कर रही थी ना संजय से, तो हमारे पास में संजय लेफ्ट है तो संजय ज्योग्राफी से बिलोंग करेगा। और देखिए अब एक पर्सन बच गया आपके पास में, देवाशीष इज कवर्ड, हर्ष इज कवर्ड, विश्वास इज लेफ्ट, तो विश्वास जो होगा वो किससे बिलोंग करेगा, साइकोलॉजी से। तो इस तरह से बेटे अब ये पूरा सेट हमारा कंप्लीट हो चुका है, राइट, जिसमें जो साइकोलॉजी है कि हमारे पास में अब एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन क्या बना कि जो साइकोलॉजी है वो बिलोंग करता है विश्वास से, और जो ज्योग्राफी संजय, हिस्ट्री रवि, इकोनॉमिक्स हर्ष और हिंदी नीता और इंग्लिश देवाशीष, ठीक है। बस एक बार ये बन जाए अब आप अपने क्वेश्चंस के आंसर कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट है हुम डज द साइकोलॉजी बुक बिलोंग्स टू, तो हमने बेटा भी किया कि साइकोलॉजी का जो बुक जो है वो बिलोंग करता है विश्वास से, ठीक है। विच बुक इज फोर्थ फ्रॉम द बॉटम, अब बॉटम से आपको देखना है बेटे, बॉटम से 1 2 3 4, तो बॉटम से फोर्थ नंबर पे आपका जो बुक है वो है इकोनॉमिक्स का, राइट। तो इसका मतलब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा कि साइकोलॉजी बुक विश्वास से बिलोंग करता है, और सेकंड है बेटे बॉटम से इकोनॉमिक्स। तो इस तरह से हम ये पजल्स बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट होता है बेटे कि आपको इंग्लिश को बड़े केयरफुली स्टडी करना है, हर वर्ड की इंपॉर्टेंस है, जो भी इंफॉर्मेशन आपको पजल में प्रोवाइडेड है उसकी अपनी पूरी इंपॉर्टेंस है, ठीक है, तभी आप अपने क्वेश्चंस के आंसर कर पाएंगे। चलिए और एग्जांपल लेते हैं, लेट अस टेक द सेकंड स्टेटमेंट। अब बेटे इसको आप ध्यान समझो, फिर हम इसका आंसर करने की ट्राई करेंगे कि हम कैसे आंसर कर सकते हैं, ठीक है।
देखिए क्या गिवन है कि मिस्टर शर्मा के 5 सन्स हैं, ए के एस आर एन, वाइल गोइंग फॉर ए पार्टी दे वोर डिफरेंट कलर्ड ग्रीन। तो आप देखिए जैसे आपने मेंशन कर लिया ए के एस आर एन, ये 5 सन हैं और कलर हमें गिवन है, फिर उनकी हमें लाइकिंग्स गिवन है, ठीक है। के हु हैज ए लाइकिंग फॉर सिंगिंग, तो मैंने देखो जैसे सेकंड जो रो है वो मैंने लाइकिंग के लिए राइट कर दिया सिंगिंग। डज नॉट वियर ए येलो शर्ट, अब बेटे ये वेलो येलो शर्ट वियर नहीं करता, तो यहां भी आप चाहे मेंशन कर लो के डज नॉट वियर येलो शर्ट, ठीक है। फिर आपको कहता है एस वियर्स ए रेड शर्ट, तो ये बेटे मुझे क्लियर है भी एस कौन सी शर्ट वियर कर रहा है, रेड कर रहा है। डज नॉट लाइक रीडिंग और राइटिंग, एस जो है ना तो रीडिंग लाइक करता है ना ही राइटिंग लाइक करता है, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, सिंगिंग ऑलरेडी चलेगी, रीडिंग राइटिंग दो और कम हो गए, तो एस के पास में ट्रैवलिंग या प्लेइंग है, ठीक है। फिर एन लाइक्स प्ले, अब एन अगर प्ले लाइक करता है इसका मतलब एस क्या लाइक करेगा, एस लाइक करेगा ट्रैवलिंग। ये बात समझ में आ गई बेटे आपको, एस क्या लाइक करेगा, ट्रैवलिंग लाइक करेगा, ठीक है। अब चलिए आगे, फिर हमें कहता है एन लाइक्स टू प्ले डज नॉट वियर ब्लू और येलो शर्ट, अब एन ब्लू और येलो शर्ट नहीं डालता, ठीक है। अब हमें एन के एन ना तो ब्लू शर्ट डाल रहा है ना ही येलो शर्ट, ठीक है। आप देखो येलो शर्ट के पास दो ऑप्शन बचे ए और आर, ए एज लाइकिंग फॉर राइटिंग, तो ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। आर ना तो येलो शर्ट डालता है ना ग्रीन, तो इसका मतलब बेटे अब येलो का तो एक ही ऑप्शन बचा ए, क्योंकि येलो के पास दो ऑप्शन थे। अब ना तो के येलो डाल रहा ना एन येलो डाल रहा ना आर येलो डाल रहा, इसका मतलब येलो कौन डालेगा, ए, ठीक है। और यहां पर हमें गिवन है कि ए हैज ए लाइकिंग फॉर राइटिंग, तो ए का जो लाइकिंग था वो किसके लिए था, राइटिंग के लिए। तो ए के आगे हमने बेटे यहां पे राइटिंग मेंशन कर दिया, ठीक है। अब आप ये देखो भी आपके पास में उनके लाइकिंग्स में क्या बच गया, रीडिंग रह गया, तो आर का क्या हो गया, रीडिंग, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, मतलब हमारे पास लाइकिंग तो कवर होगी सारी। अब बचे हमारे पास में कलर्स, ठीक है। अब कलर्स में हम देखें भी क्या क्या कलर हो सकते हैं, जैसे आर जो है येलो और ग्रीन नहीं लेगा, आर ना तो येलो लेगा ना ग्रीन, तो आर डज नॉट टेक येलो और ग्रीन, ठीक है। अब आप देखिए येलो रेड का प्लेस फिक्स हो चुका है, ग्रीन भी आर के यहाँ नहीं है, तो तीन कलर हट गए, तो आर के पास क्या कलर बच सकते हैं, व्हाइट हो सकता है, ठीक है, या क्या हो सकता है, ब्लू हो सकता है, ठीक है। ऐसे ही अब हम देखें एन के बारे में भी मेंशन था कि ब्लू और येलो नहीं लेगा, एन जो है ब्लू और येलो, अब एन अगर ब्लू येलो नहीं लेगा तो फिर व्हाइट की प्रॉब्लम आएगी यहां पर, तो इसका मतलब अब हमारी प्रॉब्लम यहां पर जो है इस क्वेश्चन के अंदर कि ये कुछ चीजें हमारे पास फिक्स नहीं है। जैसे फिक्स कैसे नहीं है कि अगर हम यहां पर देखें आर की बात करें, तो आर का कलर क्या हो सकता है, आर का कलर हो सकता है ब्लू और व्हाइट, ठीक है। ऐसी एन का कलर हो सकता है ग्रीन और व्हाइट, और वहीं अगर हम के की बात करें तो के का कलर हो सकता है व्हाइट ब्लू और ग्रीन। ये इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में क्लियर नहीं है, तो वो आपका जैसे स्टेटमेंट आपसे पूछा जाएगा उसके अकॉर्डिंगली आप आंसर कर पाएंगे, बट उनकी लाइकिंग्स जो हैं वो बेटे हमें बिल्कुल क्लियर हैं। जैसे आप देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट है व्हाट इज द कलर ऑफ के शर्ट, आपको ये बताना है कि के की शर्ट का कलर क्या है, ठीक है। अब आप देखिए यहां पर, अब देखिए के की शर्ट कलर व्हाइट भी हो सकता है, ब्लू भी हो सकता है और ग्रीन भी हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब ये फिक्स नहीं है, तो डेटा इनसफिशियंट हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे कि आंसर टू माय क्वेश्चन इज डेटा इनसफिशियंट, राइट। इसके बाद देखिए बेटे आपसे नेक्स्ट स्टेटमेंट है हु हैज ए लाइकिंग फॉर रीडिंग, कि रीडिंग के लिए किसका लाइकिंग है, रीडिंग किसको पसंद है, तो ये तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। रीडिंग का आंसर हो जाएगा बेटे आर, क्योंकि हम ये तो क्वेश्चन में बिल्कुल इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन किसका लाइकिंग है, तो ये क्या हो जाएगा, रीडिंग का लाइकिंग क्या हो जाएगा, आर, ठीक है। तो हमारे स्टेटमेंट का जो आंसर हो जाएगा दैट इज ए, आर इज अवर आंसर, ठीक है। तो अब देखिए हमने कैसे किया, जस्ट जो भी इंफॉर्मेशन आपको गिवन है उसको आपने केयरफुली अंडरस्टैंड करना है,
और एक बार इंफॉर्मेशन आपको क्लियर हो जाए फिर बेटा आप उसे यूज करके अपने स्टेटमेंट का आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो बेटे मैं ये आपको बता रहा था जैसे कि अगर आप कैट, एमबीए, एसएससी, बैंक क्लैट, आईपीएम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल हैं हमारी वेबसाइट के थ्रू। इसके साथ साथ पेन ड्राइव कोर्सेज भी आते हैं, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर या कॉलिंग नंबर 9215514 35 पे। चलिए और क्वेश्चंस करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट स्टेटमेंट आप पढ़िए, ऑब्जर्व करके देखिए, पहले आप ट्राई करो। देखो मेथड क्या रहता है, जब आप वीडियोस के थ्रू स्टडी करते हैं तो आपने बेटे क्या करना है भी, जैसे क्वेश्चन आ गया अब आप वीडियो को स्टॉप कर दीजिए। ठीक है, अब आप पूरे क्वेश्चन का आंसर करके देखिए। ठीक है, और उसके बाद फिर आप वीडियो दोबारा से ऑन करिए और फिर उसके बाद आप उसे चेक करिए भी क्या आपका आंसर राइट है या रॉन्ग है। चलिए हम क्वेश्चंस इंफॉर्मेशन को स्टडी करते हैं और इंफॉर्मेशन को स्टडी करने के बाद हम इसके आंसर करने की ट्राई करते हैं। देखिए क्या गिवन है, हमारे पास में एक एग्जामिनेशन बोर्ड में एग्जाम्स हैं A to J, 10 पेपर्स हैं और ये 10 पेपर 6 डेज में कंडक्ट होने हैं और नॉट हैविंग मोर देन 2 पेपर ऑन एनी ऑफ द डेज। एक दिन मैक्सिमम 2 ही पेपर होंगे ये हमें बता दिया। ठीक है, फिर उसने हमें गिवन है कि एग्जाम जो है वो बिगिन होता है वेडनेसडे से विद पेपर एफ। तो बेटे आप यहां से अपनी सीक्वेंस बना लीजिए, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे एंड ट्यूसडे। ठीक है, ये हमें गिवन है और एफ जो एग्जाम है वो वेडनेसडे को होगा। डी इज अकम्पनीड बाय सम अदर पेपर बट नॉट ऑन थर्सडे। तो हमें ये पता है बेटे कि डी के साथ एक पेपर हो रहा है बट डी थर्सडे को नहीं होगा। ठीक है, फिर कहता है ए एंड जी आर ऑन द सेम डे इमिडिएटली आफ्टर द हॉलीडे। तो ए और जी पेपर जो है वो बेटे सेम डे है हॉलीडे के बाद में। अब देखो ये समझो भी क्वेश्चन में अगर हमें हॉलीडे मिल जाए तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, अब आपको गिवन आगे देयर इज ओनली 1 पेपर ऑन लास्ट डे एंड देयर इज ओनली 1 पेपर ऑन द लास्ट डे। ठीक है, ये हमें गिवन है कि लास्ट डे को एक ही पेपर है एंड सैटरडे बी इज इमिडिएटली फॉलोड बाय एच विच इज इमिडिएटली फॉलोड बाय आई, सी इज ऑन सैटरडे, एच इज नॉट एट द सेम डे एज जे। राइट, ये इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। ठीक है, आप देखिए जैसे ये बेटे आपको ऊपर ही मेंशन था कि हॉलीडे ऑन संडे है और हमें पता है कि हॉलीडे से नेक्स्ट डे ए और जी हैं, तो ये तो बेटे संडे हॉलीडे है, इससे नेक्स्ट डे मंडे को ए और जी है, तो ये बात क्लियर होगी। फिर उसने बोला है कि लास्ट डे 1 पेपर होगा और ऐसे ही सैटरडे को भी 1 पेपर होगा। ठीक है, इसके अलावा बाकी जितने भी डेज हैं उसमें आपके 2 2 पेपर्स होंगे क्योंकि 10 पेपर्स हैं। राइट, तो यहां भी 2 पेपर्स हैं, यहां भी 2, यहां भी 2 और ये तो 2 ऑलरेडी फिक्स्ड है। फिर हमें गिवन है बेटे सी सैटरडे है, तो मतलब सी की पोजिशन भी क्लियर होगी, सी सैटरडे है और एच और जे एक साथ नहीं है, एच इज नॉट विद जे। ठीक है, अब आप देखो बेटे यहां पर हमारे पास में एक और सीक्वेंस था, जैसे इसने बोला था कि देर इज ओनली 1 पेपर ऑन लास्ट डे एंड सैटरडे, बी इज इमिडिएटली फॉलोड बाय एच। ठीक है, तो बी के बाद क्या आता है बेटे, एच आता है विच इज इमिडिएटली फॉलोड बाय आई, तो बी एच आई हमारे पास में एक सीक्वेंस के अंदर है। ठीक है, अब हमारी प्रॉब्लम यहां पर ये है कि बी एच आई को अगर मैं सीक्वेंस में बनाऊं तो बेटे वो तो यही सीक्वेंस बनती है, यहां बी हो जाए, यहां एच हो जाए, यहां क्या हो जाए आई, क्योंकि सैटरडे को तो एक ही पेपर है। ठीक है, उसके बाद अब देखिए अब आपको मेंशन है कि एच के साथ जे नहीं है, एच के साथ जे नहीं है। ठीक है, अब जे या तो एफ के साथ, या तो जे आई के साथ होगा या जे होगा लास्ट पेपर वाले दिन। ठीक है, तो इस तरह से अब मेरे पास में कुछ इंफॉर्मेशन आ चुका है। फिर हमें एक चीज और मेंशन है कि डी जो है डी इज नॉट ऑन थर्सडे, डी थर्सडे को नहीं है। तो अब प्रैक्टिकली आप ये देखो भी एक बार हम फिर से दोबारा फिलअप कर लें,
एग्जाम बिगिंस विद एफ हो गया, डी इज अकम्पनीड बाय सम अदर पेपर बट नोट ऑन थर्सडे, तो डी थर्सडे को नहीं है बट डी किसी और पेपर के साथ अकम्पनी हो रहा है, तो डी बेटे कब होगा, फ्राइडे को होगा, ये क्लियर हो गया यहां पर। फिर अब तो मेरे हिसाब से पूरा हो ही गया, अभी एच इज नॉट विद जे, जिसका मतलब जे यहां पर हो जाएगा। अब देखिए कौन सा पेपर आपका लेफ्ट आउट है, ए बी सी डी, ई नहीं कवर हुआ, तो ई किसके साथ हो गया, एच के साथ में, ठीक है। तो इस तरह से हमने बेटे अब ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन यहां पर फिलअप कर दी है, सारे पॉइंट्स हमारे आ चुके हैं यहां पर, ठीक है। अब आप देखो बेटे इसको अंडरस्टैंड करके अब आप अपने आंसर्स इजीली कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट है, एग्जामिनेशन फॉर विच द फॉलोइंग पेयर ऑफ पेपर इज ऑन थर्सडे। अब देखिए थर्सडे तो बेटे ई और एच है, ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए, कि थर्सडे को जो पेयर ऑफ एग्जामिनेशन है वो क्या है, एच एंड ई, ठीक है। सिमिलरली एग्जामिनेशन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पेपर इज ऑन नेक्स्ट डे ऑफ डी, तो डी से नेक्स्ट डे कौन सा है, आप देखिए बेटे डी से नेक्स्ट डे सी का नंबर है, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी। ये हमारे स्टेटमेंट का आंसर बन जाएगा कि डी से नेक्स्ट डे जो है दैट इज द नंबर ऑफ सी, ठीक है। तो इस टाइप से आप बेटे अपने क्वेश्चन के आंसर कर सकते हैं। तो थ्री पजल्स बेटे हमने सॉल्व किए हैं इस सेशन के अंदर, और हमारा ऑब्जेक्टिव सिंपल इतना ही है कि आपको ये कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना आपके अंदर कि बेटे पजल्स में कोई खास प्रॉब्लम नहीं होती, आपको बस इतना प्रॉब्लम रहता है कि वेरिएबल्स को मिक्सअप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे आपके एमबीए एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में, आईपी मैट में, क्लैट में पजल्स पे काफी फोकस रहता है रीजनिंग के अंदर, एमबीए में स्पेसिफिकली। तो अगर आप कैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बेटे आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं जो www.examtv.in पर अवेलेबल है। इसके साथ साथ हम लोग पेन ड्राइव कोर्सेज भी ऑफर करते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हो, बहुत ही लो प्राइस पर। आप मानेंगे कि हमारे जो कोर्सेज अवेलेबल हैं वो बेटे आपके कैट के फॉर्म के सी कम प्राइस पर अवेलेबल है, मतलब कैट का फॉर्म जो रहता है 4000 रुपीज का एटलीस्ट आपको फॉर्म फिलअप करना रहता है, और उसके साथ फिर आप अलग एमबीए कॉलेजेस में अप्लाई करते हैं, तो वी ऑफर द कोर्सेज एट ए वेरी मिनिमम प्राइस बट क्वालिटी वी हैव मेंटेन्ड। नंबर ऑफ वीडियोज आर देयर, वी कवर्ड ईच एंड एवरी चैप्टर ऑफ मैथमेटिक्स, ऑफ वर्बल एबिलिटी, ऑफ रीजनिंग, ऑफ जीएस, एवरीथिंग इज कवर्ड विद अवर वीडियोज। आई होप यू हैव गॉट द पॉइंट। थैंक यू वेरी मच।